अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो आज हमेशा की तरह मैं अपने दोस्तों के साथ पहुँचा हूँ आप इनके पास, और हुआ ये कि हमेशा की तरह इस दफ़ा में सबसे पहले मैं पहुँचा हूँ और 10 से 15 मिनट पार होना पड़ता है यहाँ पर, फिर सब लोग आते हैं। तो मैं यहाँ पे कश्मीर रोड पर अपने दोस्त के घर पर पहुँचा हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हम जाएँगे डिसाइड करके कि हमने खाना खाने जाना है या फिर जो है हमने इधर इन्जॉयमेंट करनी है। पीछे रहन भाई आ रहे हैं, ठीक है जनाब। ये है हमारे दो दोस्त रह गए, एक हमाद रह गए और एक काशिफ रह गए। तो हम लोग फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में जाएंगे। तो आपसे ब्रेक के बाद हाँ भाई, देखे भाई इधर आओ ना यार, इधर आओ। अच्छा भाई, कैसे हैं आप? ये हैं भाई हमारे पहले दोस्त जिनका नाम है जकरिया। अच्छा, ये लोग जो है लड़कियों के चक्कर में गंजे होते हैं, अपने बॉस के चक्कर में गंजे हुए। जकरिया कैसे हैं आप? बहुत ज़्यादा हेयर फॉल कैसा महसूस हो रहा है? बस बहुत अच्छा महसूस हो क्यों रहा है आपको भाई? बहुत दिनों बाद। अच्छा, आप थोड़ा अंदर महसूस होता है। गैदरिंग हुई है इसी वजह से। तो आपने बाल छोटे क्यों कराए? हेयर फॉल वगैरह बहुत ज्यादा था, बाल गिर रहे थे। तो चलो भाई, ये कौन है भाई? रेहान भाई। भाईजान मामला ऐसा है कि भाई फ्रेट तो बढ़ गया, रेहान भाई इधर आ जाए, जल्दी से बता दे। रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से हमने कंटेनर जो है ना वो चोरी करने शुरू कर दिए। वेरी गुड, जो शिपमेंट आती है हम कंटेनर लेके घर पे रख लेते हैं। अच्छा, मोस्ट अमेजिंग पर्सनैलिटी है ये है भाई, ये जो है ना मदनी चैनल देख देख के बदल गए। इनके में आपको पिछली जो है वो अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो आप लोग सुन नहीं सकेंगे। रेहान वो अपना आसान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताए आज का क्या मूड है? फिर कहा जा, अफोर्ड करो आप, वहाँ खा लेंगे हम खाना। मैं तो अफोर्ड करूँगा ढाबे पर। बस चलो ढाबे पर चलो, और आ जाए भाई। ये भाई है, ये आप क्या खिलाएंगे आज, ये बताएं? जो आप खाएंगे। आप पैसे देंगे? कौन सा मोबाइल है आपके पास? नहीं लेके आया मोबाइल, कौन सा आया वो तुम्हारे डर से? 12 प्रो मैक्स। लेकिन वो फोन ही नहीं लाया आपके। 12 प्रो मैक्स है आईफोन, फोन ही नहीं लेकर आया। आप ये बताएं, इनके पास पैसे नहीं है? जिसका इंतजार था वो इंतजार अब पूरा हुआ। अब हमारे ये हमाद भाई आ गए हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? क्या हाल है? कहाँ से आ रहे हैं आप? बिल्कुल ब्लॉग बना रहे हैं आप? कैसे, इधर देख ले। खैरियत से हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप खैरियत से हैं? हाथ मिला लें, हाथ मिला लें, मुसलमान हैं आप? आपने तेजाब डाला? आप हाथ मिला लें, मुसलमान। मैं ठीक हूँ, आपने तेजाब डाला? आगे आगे से बोले, आप क्या कह रहे हैं? आप बताएं आप कहाँ से आ रहे हैं, बताएं। मेरे भाई हम घर से आ रहे हैं। घर से आ रहे हैं? किसके और कहाँ से आएंगे? किसके घर से आ रहे हैं? अपने घर से आ रहे हैं जी। भाई कैसे हैं आप लोग? ठीक है, फिर दोबारा से मैं पूछ रहा हूँ, कैसे हमाद भाई इधर आइए ना प्लीज़। ये हमाद भाई हैं और ये जो है ये हसन भाई हमारे, ये अभी इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया सबका। तो ये हसन भाई हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। ये रेहान भाई हैं और ये है हमाद भाई हमारे। ये हमाद भाई हैं, ठीक है। ये बड़े चौथ किस्म के आदमी हैं और बड़े चूरा नहीं है, बहुत बड़े सबसे बड़े चूरा नहीं है। अच्छा भाई, अब बात ये है, अब हम वीडियो बनाएंगे और हम जाएंगे खाना खाने जाएंगे, डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। हमने हाईवे जाना है या हमने भादराबाद जाना है, कहीं भी जाएंगे खाना खाएंगे और तमाम हजरात अमेरिका सिस्टम यूटिलाइज करेंगे, सब पैसे देंगे, जिसमें मैं भी दूंगा, दान भी देगा, ध्यान भी देगा। जो कोई नहीं देगा, वो नहीं देगा। कैमरा मैन उसके साथ क्या किया? ये नहीं, जो पैसे नहीं, कैमरा मैन, ये जो कैमरा मैन नहीं, ये जो कैमरा मैन है ना, ये है जकरिया और ये बहुत बड़ा कंजूस आदमी है। आइए भाई, और भाई देखें वीडियो के अंदर कोई गाली ना दे, आप गाली नहीं दीजिएगा हमारे। या अल्लाह, जो गाली दे उसको भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो गाली दे उसको वापस उल्टी सीधा उलट के जाए। गाली से एक बिच्छू पैदा होता है कब्र में, जो गाली दे उसकी तरफ वापस उलट के जाए। अभी बताते रहेंगे आपको, फर्दर अपडेट्स देते रहेंगे। ये लीजिए जनाब, गाड़ी में हम बैठ चुके हैं और क्या बंद करूं, दरवाजा बंद करो, ये दरवाजा बंद हो गया जनाब। गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, ये हमारे हसन भाई ड्राइवर है। ये लाइट आ गए भाई, कराची में बिजली आ गई भाई, मेरे गाँव में बिजली आ गई। ये हमाद है बैठेंगे रेहान। ये मत बोले रेहान साहब, हमाद भाई सिगरेट पी रहे हैं, रेहान साहब सिगरेट पी रहे हैं। अच्छा आप ये बताओ, आपके घर में कंगा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बगैर कंगे रोड कर आ रहे? मैं बाइक पे आया हूं। तो जनरेटर, जनरेटर बोलो, जनरेटर है तुम्हारा? बाइक नहीं, जनरेटर है वो। अच्छा भाई, अब हम जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं भाई? कहां जा रहे हैं? डिसाइड करो, आ जाओ भाई, डिसाइड करते हैं। डिसाइड करो भाई कहां जा रहे हैं, डिसाइड करो भाई जल्दी से। रेहान भाई क्या प्लान है, कहां जाना है, क्या मूड है? जकरिया यार मेरा तो वही, जहाँ हमाद ले जाएगा भाई वहाँ चले जाएंगे। हमाद सेठ बैठे हुए हमारे, इनके बड़े बड़े जहाज हैं। दुआ वाला सही है भाई, ये हमाद बैठे हुए, इनके सुना हमने एनसीएलआई शिपिंग है इनकी, इन्होंने अपनी कंपनी खोली है, डायरेक्टर भी खुद है, चाय भी खुद बनाते हैं और पानी भी खुद अपने आप खुद ही पिलाते हैं और सारे काम खुद करते हैं। अभी स्टार्टिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सब कुछ काम सब कुछ खुद ही करते हैं। क्या करते हैं मसलन? मसलन क्या करते हैं, वर्किंग सब कुछ भाई, कहीं भी निकल लो भाई। आप बताओ ना क्या मूड है जी भाई? हमारा प्रोग्राम बन गया मदीना रेस्टोरेंट जाने का,
मदीना रेस्टोरेंट चलते हैं। असल में यहाँ पे हम खाना खाने तो चले जाए, लेकिन हमारे पास ना यहाँ भूखे नंगे बहुत हैं। सबसे पहला ये बीच में बैठा भाई सबसे बड़ा भूखा भी है और नंगा आदमी भी है, और बराबर में ये टोपी बैठा ना टोपी, ये भी भूखा है। पैसे लाए हो? कितने पैसे लाए अहमद? मैं पैसे नहीं लाया भाईजान। ये देख लो, अगर आपको कहीं जाना है ना, खाना खाने जाना है फैमिली के साथ तो सब जाते हैं, लेकिन अगर दोस्तों को भी उठा लो ना तो बड़ा मज़ा आता है। और एक बात यह है कि आप सबसे पहले तो मैंने बताना भूल गया कि सबका एक ही रोना होता है यूट्यूबर्स का, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, तो आप भी कर लें मेहरबानी। अब हमें वो तो आता नहीं है भाई कि क्या होता है तो भाई हमें देखें वो सब कुछ तो आता नहीं है। अब आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक ही सबका प्रॉब्लम होता है, तो बहरहाल हमें वो सब कुछ तो आता नहीं है कि लंबी करें कि गाइस आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है और ये हरामीपन हो रहा है। अच्छा जी, ये है भाईजान जी। सबसे पहले तो ये गाने, एक मिनट यार, एक मिनट भाईजान, हेलो जी सर। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि गाने चल रहे हैं LED में कार में, ठीक है भाई। अब ये अपना क्या कहते हैं हाफिज साहब, ये गाड़ी है हाफिज साहब की, ये हाफिज साहब की गाड़ी है भाई जान, ये आपकी गाड़ी है जी भाई। आप तो ये नीलेश सॉन्ग्स क्या बताएं, इससे पहले जो अगर सॉन्ग्स लगे हुए थे ना, अगर मैं वो दिखा देता तो ये मौलवी तो दरिंदा सिर्फ आदमी हो जाता, और इकरार उल हसन जो है ना इसकी आके वीडियो बना लेता एक और कहता कि भाई ये आपने क्या लगा रखा है। भाई ये देखिए, बस कर दे, मतलब ये है कि जो लोग खाने खाने के बाद जो इधर साइड में हो जाते हैं ना, कहते हैं ATM ले लो, पैसे नहीं है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, तो उनमें से एक शख्स हमारे पास मौजूद है, पीछे नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब ये बड़ा बेगैरत इंसान है। अब हमने क्या किया, हमने हमेशा की तरह सब अभी हमने क्या किया, हमने ये मोबाइल ले लिया, ये इन भाई का मोबाइल है। अब ये पूरे रास्ते जो है हमारा खर्चा उठाएंगे और खाना खाने के बाद ये पैसे भी देंगे। देखिएगा अभी पहुँच के आपको बताऊंगा, मैं बना देता हूँ स्नैप, तुम नहीं बना पाओगे। लीजिए गाइस, इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं कराची टोल प्लाजा, ठीक है। अब हम यहां से पर्ची कटवा कर और हम आगे निकलेंगे, क्योंकि हमने सोचा था कि हम जाएंगे कहां पे भाई, मदीना जाने का सोचा था, लेकिन अभी हो सकता है हमारा जो है प्रोग्राम चेंज हो जाए, हम हैदराबाद निकल जाएं। इस वक्त हम पहुंच गए हैं टोल प्लाजा और यहाँ से अब हम आगे निकल। अब आप ये देख लें कि हम यहाँ पर थोड़ा हैदराबाद से थोड़ा सा पहले एक रेस्टोरेंट है सदाबहार, हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये हमारी गैदरिंग है, ठीक है भाई, और ये है होटल, ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम खाना खाएंगे। अब मैं ये कह दूँ कि अब हमारी चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और हम थक भी चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी दूर जो है सफ़र किया, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको खाने की जो है वो सारी वीडियो दिखाऊँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।